प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी गई। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ साथ वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए योजना की शुरुआत की गई है। दुर्ग जिले के अंतर्गत अंडा ग्राम पंचायत के किसान अजीत चंद्राकर, मचांदुर के किसान देवेंद्र भारतीय, समोदा के किसान विनायक ताम्रकार ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को उचित और हितकारी बताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमें आर्थिक पैकेज किसानों के हित में दिया है। 3,68,000 करोड़ का ये जो पैकेज है किसानों के हित में बहुत ही जरूरी है और ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि है किसानों के लिए। आज छत्तीसगढ़ की सरकार की बजट का तिगुना है ये। हम मानते हैं कि जिस प्रकार से यूरिया, सल्फर कोटेड युक्त यूरिया और नैनो यूरिया की बातें आज हो रही है, आज प्रकार जिस प्रकार से देश में आज 4 प्लांट नैनो यूरिया की बन रही है, ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये 3,68,000 करोड़ का ये जो पैकेज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये किसानों के हित में बहुत ही आगे जाएगा। आने वाला समय में हिंदुस्तान के किसान और छत्तीसगढ़ किसान बहुत ज़्यादा फायदा मिली। जीरो बजट में जो खेती चला थे, गोबर खाद, ऑर्गेनिक खाद के जो हमारे मोदी जी बोला थे, रासायनिक के बाध्यता खत्म करना है, अपन खुद के घर में ऑर्गेनिक के जो खेती चला थे, किसान मतलब जो प्रोत्साहन दे थे खुद के घर में खेती के लिए और खाद के लिए खुद व्यवस्था, आत्म मतलब किसान मतलब आत्म संबल दे थे कि खुद हिम्मत करके खेती के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए पहल करो। आज अगर हम देखते हैं 2018 से लेकर 2020 के बीच तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार प्रति क्विंटल 300 रुपये बढ़ी से। आज अगर हम एक एकड़ खेती करते हैं तो 20 क्विंटल के पैदावार होते तो 20 गुना 3,6,000 रुपये कहीं ना कहीं किसान के जेब में जाते। तो ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये कहीं ना कहीं किसान के लिए, देश के लिए निश्चित तौर पे बहुत फायदे हैं। और जैसे जैसे ये मना का बोलते आगे बढ़ाते वैसे वैसे किसान के विकास भी आगे बढ़ाते। धरती को केमिकल से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना के तहत नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के भी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जैविक खेती के उत्पाद की मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। केंद्र सरकार अगले 3 साल में किसानों के कल्याण के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।